गुड मॉर्निंग मनीष। गुड मॉर्निंग। ऑलराइट गाइस, तो गुड मॉर्निंग। तो आज की इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। लाइफ के अंदर पहली बार आज होने वाला है मिस्टर इंडियन हैकर टीम के साथ में प्रैंक। जी हाँ गाइस, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो आज जो है बड़े दिनों बाद हमें मौका मिला है कि ऑफिस के अंदर बस तीन जने हैं, मैं, मनीष और गज्जू। क्योंकि गाइस कल रात को जगराते थे तो सारे जो बाकी के बंदे हैं वो रात को वहां पे गए थे, तो वो अभी तक नहीं आए हैं। और मैं भी आज सुबह सुबह जल्दी आ गया हूँ क्योंकि मुझे तैयारियां करनी थी। मनीष सारी चीजें रेडी हो गई? रेडी। ऑलराइट गाइस, तो यार यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे डिवाइसेस हमने बनाए हैं जिससे कि हम वायरलेसली वायर के साथ में अपनी टीम के साथ में प्रैंक कर सकते हैं। मनीष तैयार है सब कुछ? तैयार। ऑलराइट गाइस, तो यार आ जाओ, अभी मैं आपको बताता हूँ धीरे धीरे सारी चीजें और बाकी चीजें आपको वीडियो के अंदर जैसे जैसे आप देखते जाओगे समझ में आती जाएगी। यकीन मानो इस वीडियो के अंदर बहुत मजा आने वाला है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरी देखना। आज सबका नंबर है, आज मैं कर रहा हूँ प्रैंक। तो इसी आज की इस वीडियो के अंदर हमने इस मैदान को ही युद्ध का मैदान बना दिया है। जगह जगह पर हमने माइंस बिछा रखी है। जी हाँ गाइस, आप देख सकते हैं कि ये रही पहली चीज, ये है मोशन सेंसर। अगर इसके सामने कोई भी आया टक टक एक बम फटेगा। इस तरीके के तीन सेंसर से, एक वहां पर है, दूसरा यहाँ पर और तीसरा वहां पर। लेकिन गाइस ये तो बस शुरुआत है, ये चीजें तो सिर्फ मछली को जाल में फंसाने के लिए है। असली मजा तो इसके बाद आएगा क्योंकि जगह जगह पर ये तो दिखाई दे रहे हैं, जगह जगह पर हमने ऐसे सेंसर्स लगाए हैं जो कि किसी को भी दिखाई नहीं देंगे। तो अब आप समझ सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। तो अब बस इंतजार करते हैं पहले बकरे का। आप भी देखो और मैं भी देखता हूँ कि पहला बकरा कौन आता है जिसके साथ में प्रैंक की शुरुआत होती है। आप क्या करोगे? अब तो लाइक कर दो यार। और हाँ, हम इस चीज़ का पूरा ध्यान रखेंगे कि किसी को भी किसी भी तरीके की चोट ना लगे और प्रैंक जो है बस वो प्रैंक तक ही रहे। शुरू करते हैं। यह वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी एक्शंस प्रोफेशनल्स के द्वारा अंडर कंट्रोल एनवायरनमेंट में करे गए हैं। आप ऐसा कुछ भी ट्राई, कॉपी और रिक्रिएट करने की कोशिश ना करें। बाबा आ रहे हैं बाबा। और उसको पता नहीं पड़ना चाहिए, अपनी अपनी पोजीशन ले लो। गाइस पहला बकरा आ चुका है, बाबा आ गए हैं, मेरे को यहाँ पे सीसीटीवी में दिख रहा है। और ये इसने गेट खोल दिया, इस गेट खोल दिया। अब बस होने वाला, मैं कैमरा एंगल चेंज कर लेता हूँ, कैमरा एंगल चेंज कर लेता हूँ। ये जा रहा है अंदर, जा रहा है मैं बहुत एक्साइटेड हूँ भाई। और ये मैंने कैमरा एंगल चेंज कर लिया, आ रहा है बकरा, आ रहा है, बस कुछ देर में आने वाला है। जैसे ही वो मोशन सेंसर के सामने जाएगा वो देखते जाओ। ये गया 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 जाने वाला। ओ ओ ओ देख क्या करता क्या करता क्या करता रुक गया कुछ कर रहा है शायद। ये कहाँ जा रहा है? भाई तो कहीं बाबा कहीं पे जा रहे हैं। एक धमाका तो हो गया, अभी और बाकी। ये कहीं जा रहा है, क्या करने जा रहा है? अरे ओह यार, मैं कैसे भूल गया कि ये टाइटेनियम आर्मी का बंदा है, टीम का होता है, तो उसको मेरे को लग रहा है पता पड़ गया कि यहाँ पे मोशन सेंसर्स लगे हुए हैं। तो ये पाइप लेके जा रहा है, ये पाइप पहले उसके आगे कर देगा, फिर देखेगा कि फटता है या नहीं, ऐसा कुछ है ना शायद। वो
बहुत समझदार है यार, देख मेरे मतलब कितना दिमाग लगा इसने, जैसे पाइप लेके गया और फिर पाइप से मोशन सेंसर के तरफ कैमरे में कुछ कह रहा है। बाबा के लिए जाल बिछा है, लो बाबा जी का ठुल्लू कमीनो, लो बाबा जी का ठुल्लू, मेरे पास जुगाड़ है, मैं इधर से नहीं तो उधर से घूम के आ जाता हूँ। गाड़ी पे पाइप रख लिया इसने, तो ये देखो गाड़ी पे ही पाइप रख लिया, ये देखो ये देखो ये देखो गाड़ी पे पाइप रख लिया इसने, ये देखो, और अब ये कहीं जा रहा है, कहीं पे जा रहा है शायद, अब कहीं पे जा रहा है, क्या करते हैं, ये बाहर जाता है या क्या। तो कहीं साहब बाबा जो है उधर से जा रहा है, घूम के आ रहा है कि ताकि उन सेंसर्स को पता ना पड़े, लेकिन इसे क्या बताया, एक करता चलो इसको असली मजा नहीं बताया, और आप भी देखते रहो अब आएगा असली मजा, क्योंकि मैंने गुप्त जगह पे सेंसर्स लगा रखे, ये गया सही जा रहा है, सही जा रहा है, सही जा रहा है, सही जा रहा है। वो ना आगे लगता है, सही जा रहा है, सही जा रहा है, सही जा रहा है। बूम बूम बूम, ओ भाग रहा है, ओ भाग रहा है। आगे वाला तो मैं थोड़ा समझ गया था कि कुछ होने वाला है, बाकी इधर का मुझे नहीं पता था, वो डर गया मैं बिल्कुल। अरे भागा यार, गोलियां चल रही है, डम डम नो 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 तो गाइस आज के बकरे ये बकरा। अब बताओ, सुनो सुनो, तो गाइस अब मेरे पास एक मतलब सुविधा हो गई है, एक कैमरामैन और बढ़ गया है, तो अब अपन और लोगों के साथ भी प्रैंक कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अब देखते हैं जो भी नेक्स्ट मुर्गा आएगा उसके साथ करेंगे। अरे इसके साथ तो हो गया ना, किसके साथ करें, रवि 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 के साथ करें, कुर्सी से बांध देंगे और फिर देखते हैं कि मतलब कि वो कितने देर के अंदर उसे छुड़ा पाता है, या फिर मान लो कि मूवीज के अंदर अपन देखते हैं या फिर रियल के अंदर कोई किडनैपर बांध देता है तो किस तरीके से छुड़ा पाता है। तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक कुर्सी है और एक रस्सी है, तो किसे ट्राई करें, किसे ट्राई करें, किसे जो भी सामने आएगा उसे ट्राई कर लेंगे। रवि भाई को अरे तक बांधना ही दे, खुल जाइयो। तो रवि को अपन कुर्सी से बांध देते हैं, और रवि तुझे क्या है, तुझे है ना 30 सेकंड के अंदर अंदर अपने आप को आजाद करना है इससे। 30 सेकंड कर लेगा, ठीक है देखते हैं। तो वैसे ही पतला है, निकल जाइयो कहीं से ही, निकल जाइयो, बांधो भाई बांधो, वैसे बिल्कुल वैसे बांधना जैसे किडनैपर्स बांधते हैं ना, बांधो। तो ये वीडियो सिर्फ आपकी एजुकेशन के लिए है, ताकि ऐसी कोई सिचुएशन में फंस जाए तो कैसे बाहर निकल सकते हैं, तो उसके लिए तो ऐसा कुछ भी आप घर पे ट्राई ना करें, किसी को भी ना बांधे, पहले भी किसी को किडनैप किया जाए तो एक्सपीरियंस है बेटे। तो गाइस यार यहाँ पे हमने रवि को बांध दिया है, तो रवि हम क्या करते हैं, 3 तक गिनती गिनेंगे और उसके बाद में ये चैलेंज शुरू हो जाएगा, ठीक है। आपको आपको बस इससे आजाद होना है खुद से, तो ऐसा समझो कि बस इंट्रो लगने वाली है और बस आपको आजाद होना है, ठीक है। 30 सेकंड का वक्त है, बस आपको आजाद होना है। कैमरा चालू करना भाई, ये निकलेगा कैसे कैमरा, बस रख रहे सेटिंग करो, रेडी होने वाले। ठीक है, तो मेरे 3 गिनते ही मैं तेरी आंखें खोल दूंगा। ये कौन करता है यार, नो 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 नो, अम्मे अम्मे
It's a prank! अरे तू मम्मी को मम्मी क्यों कर रहा था? इतना बड़ा बम देख के यार चित्र उड़ा देगा। तो गाइस आप ऐसा कुछ भी ट्राई ना करें, ये असली बम नहीं है। असली होता तो रवि क्या हम भी कोई नहीं बच पाते यहाँ पे। अब देख सकते हैं नकली बम है। भाई रवि के रिएक्शन देख। तो ये कैसा था एस्केप प्लान? बहुत खतरनाक है। तो दूसरा जीवन मिल गया इसके। भाई साहब नहीं मिला था क्या? चल कोई बात नहीं, ये प्रैंक था दिवाली के लिए। एक बार उनको सब्सक्राइब करने के लिए तो उन्हें जिंदा बच गया। तो गाइस ये सेक्स के प्लान बिल्कुल सक्सेसफुल रहा है, इनका प्रैंक भी बिंदास सब्सक्राइब। आ जा सो जा जाके जा सो जा। गाइस अगला प्रैंक जिसके साथ भी होगा ना, उसने सोचा भी नहीं ऐसा कुछ हो सकता। इधर देख लो, रिमोट कंट्रोल और लड़ी, और ये जा रही बाथरूम में। आ जाओ। कहाँ रखे बाबा? अरे वहाँ रख देते, ऊपर सेफ भी रहेगा, जो भी रहेगा उसके लगेगी भी नहीं, बस आ जाएगी फट। ऊपर रख देते गाइस। इसका रिमोट है, अब देखते हैं कि बलि का बकरा कौन बनता है, जो भी पहले इसके अंदर नहाने या फिर फ्रेश होने आएगा। कैमरा चेक। तैयार। अभी कैमरा ऑन कर लेना। ओने छुपा के रखी, छुपा ले इसको, छुपा ले, कपड़ा डाले इसमें, कपड़ा डाले। बाबा तू जाके भवानी भाई को बोल कि वीडियो शूट करनी है, जल्दी से नहा ले, शक नहीं होना चाहिए उसको। ठीक है बिल्कुल। चाचा बार नई वीडियो बनाओ जो वीडियो बड़ा बनना नाना तू नाना यहां रख जा तू ना फाल तू मेरा ध्यान पूछन के तू ये पटेल लाल नाल पे जो भी जाए तू ना लिए वाह पांच साल दिन अभी उसको नहाने देते और आधे बीच के अंदर करेंगे। अरे आराम से नाना। हाँ ऑलराइट गाइस इन 3, 2, 1। बाबा का हो गया, तुम्हारा हो गया, अब किसके साथ करिए बताओ? साथ में करेंगे। किसके काम करता? आपके साथ ही करता। तो मुझे तो पता है ना मेरे साथ क्या करोगे। पता होता किसका? विक्रम बाकी है और बहुत सारे दिनेश बाकी। पूछ गोविंद के साथ करते हैं। गोविंद के साथ ठीक है। तू नाले नाले जल्दी नाले। पता नहीं ना रहा था अच्छा खासा साबुन लगाई दिमाग खराब कर दिया। आजा 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 ले आया। काम तो करेगा ना।
सही करेगा। तो गाइस यार नेक्स्ट प्रैंक जिसके साथ नहीं हुआ है किसी के साथ भी हो सकता है, तो ये है एक सेंसिटिव चीज़, यानी कि इसके ऊपर अगर वेट सेंसिटिव चीज़ अगर इसके ऊपर कोई भी वजन डालेगा तो ये सर्किट को पूरा करेगा और पीछे होगी ये फर्री वाले पटाखे जिसके अंदर से आवाज़ तो बहुत तेज आती है लेकिन ये नाक नुकसानदायक नहीं है, साथ साथ हार्मफुल नहीं है, तो किसी को भी चोट वगैरह तो नहीं लगेगी लेकिन मज़ा बहुत आएगा, इसके अंदर से फर्रियाँ निकलेगी। ठीक है, तो इसे हम लगा रहे हैं इसके ऊपर, ठीक है, और इन फर्रियों को लगा देंगे उसके पीछे, उसके बाद में जो भी बकरा आके इस पर बैठेगा देखते हैं कि कौन बकरा बनता है इस बारी, इससे ढक देंगे ताकि पता ना पड़े। माचर खा रही है यार, माचर खराब ही खा रही है, पता नहीं क्या करना है। अरे आओ गोविंदा, आओ आओ यार, बैठ, चाय पी ले, चाय पी ले गोमा। ए गोविंदा चाय आगी, चाय पी ले, कन्ना में घेड़ो तू, आओ बैठ बैठ यार, और बैठ, और तो कहियो तो कही, ये बैठ बैठ यार, माचर खा रही है, माचर तो खावे ही है। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, अरे इसका रिएक्शन में बताओ कैसा, वो तो गाइस यार आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये जितने प्रैंक्स थे आपको पसंद आए होंगे, इसके अंदर हमने इस चीज का पूरा ध्यान रखा है कि किसी को भी चोट ना लगे, कुछ भी ना हो। भाई मजा बहुत आया यार, आज पहली बार टीम के साथ में प्रैंक किया इस तरीके से, बहुत मजा आया। तो गाइस यार आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अब जो प्रैंक होने वाला है वो किसी के साथ भी हो सकता है, इसके अंदर मुझे नहीं पता कि किसके साथ करना है फिर किसके साथ नहीं। आइडिया काफ़ी सिंपल है, ये जो पॉप पॉप है ना इसे हम निकाल रहे हैं और पंखे के ऊपर जमा रहे हैं, तो जो भी बंदा आएगा, हमें तो पता है कि पंखा नहीं चलाना है, जो भी आएगा पंखा चलाते सारी पॉप पॉप जमीन पर करेंगे दम 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 दम, फिर देखते हैं कि क्या रिएक्शन रहता है। ठीक है ना, आप ध्यान से देखते रहो, Many hours later. बेटा। और मोड़ा आओ यार, मोड़ा आओ यार। मच्छी मारी, मच्छी नहीं मच्छी चले क्या? आगे भी नहीं। बना बना तो आये आज बेड पे। आओ बेड को सही तो बना बना। कहीं बना बना। हाँ। बना बना। कहीं बना बना। बस बना। बढ़िया नहीं। अरे गरीब। एसी बंद तो मिली है। एसी बंद है। बच के रहना तुम सब, मेरे को नहीं पता कुछ भी हो सकता है।